सो गुड मॉर्निंग गाइज, आज ट्यूसडे है और आज मेरा एग्जाम है और आज मेरा लास्ट एग्जाम है। आज मैं फ्री हो जाऊंगी अपने एग्जाम से। और आपने कल वाले व्लॉग में देखा होगा, जो दीदी बंस लाई थी ना, उनका दीदी ने दिखाती हूँ मैं क्या बनाया है। अभी नहीं, ये बना, ये बनाया है, ये बन गया, ये बना रही हूँ और वो बन रहा है। ये दूसरे है क्या? ये ना ये बर्गर है ना ये पिज्जा है। ये क्या है गाइज? ये एक्सपेरिमेंट है मेरा। गुड, नाइस, आई लाइक इट। और यहाँ बन रहा है बैंगन का भरता। तो गाइज मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। यम्मी है। तो इसका मैं नाम देती हूँ बर्गर पिज्जा। तो बर्गर पिज्जा बनाने के लिए आप सैम दीदी को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। चीज बन ओके, पर ये पिज्जा जैसा भी टेस्ट आ रहा है इसमें। तो गाइस हम अपने पेपर की तैयारी करते हुए और ये बिग बॉस देखते हुए दीदी ले आई है मेरे लिए चीज बन। थैंक यू दीदी। दीदी का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा। सुनो, थंबनेल के लिए फोटो निकालने के लिए कुछ करो ना पोज, ऐसे नहीं ये दिखाते हुए थोड़ा तो गाइस मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ कॉलेज जाने के लिए, एग्जाम देने के लिए। और टाइम हो रहा है 10:30। 11:10 तक मैं निकल जाऊंगी यहाँ से, दीदी छोड़ देंगी मुझे। और क्या बताऊँ। और यहाँ दीदी बैठी है और ये रही दीदी यहाँ कॉफी पीते हुए, और मेरी कॉफी ये रही। तो गाइज मुझे ना कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए होती है पूरे दिन में एक कॉफ़ी, मतलब कि या तो तुम ब्लैक कॉफ़ी दे दो या वाइट कॉफ़ी, वाइट कॉफ़ी मतलब दूध वाली कॉफ़ी। तो मैं ये कॉफ़ी पी के अपना निकल जाऊंगी कॉलेज के लिए। और ये यहाँ बिग बॉस चल रहा है डेली की तरह। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ तो कहो यार दीदी, यार कुछ तो बोलो। ओके ओके, और प्रैक्टिस करके आई हूँ मैं, सुबह गई थी मैं 6:30। नेहा को क्यों नहीं लेके जाते अपने साथ प्रैक्टिस करने? वो इसलिए लेके, मैं सोचती हूँ कि उसका एग्जाम होता है तो सारा दिन वहाँ पे एग्जाम देगी ना, इस वजह से थकी जाएगी, इसलिए मैं उसको सुबह उठाती नहीं, तो मैं खुद चली जाती हूँ। फिर वहाँ से 9:00 आज आती हूँ मैं। आपके पीछे मेरा जूनियर बैठा है, उसे भी दिखा दो। जूनियर जूनियर भालू 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 है ये भालू। चलो ठीक है गाइस, तो इतने हम कॉफी पीते हैं फिर निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। दीदी अब मुझे छोड़ने जा रही है बस स्टैंड रानी पे, लेट्स गो। तो ये बाहर निकलते ही यहाँ रोड बन रहा था और इसकी वजह से बहुत ट्रैफिक हो गया, और ये पता नहीं क्या खड़ा है, इसी से ही रोड बन रहा है। पर दीदी ने स्मार्टली निकाल लिया, इतना बड़ा हाथी खड़ा कर दिया, इतने जाम लगवा दिया। अरे आपके यहाँ मधुबन में रोड बन रही है ना, दिक्कत तो आएगी, जाम लगेगा यार। इतना बड़ा था सारा ही रास्ता, रोक लिया। पर आपने अपने अपनी गाड़ी इस करके निकाल ली? निकाल ली, बाइक थी ना इसलिए निकल गई, गाड़ी नहीं निकल पाई। चलते हैं बस स्टैंड, यहाँ से बस स्टैंड मतलब घोरौंडा का बस स्टैंड जहाँ से मुझे दीदी ले जाएंगे। अगर आपने मेरे ब्लॉग में देखा है, कुछ पता है आपको, नहीं देखा तो जाके देख लो पिछले ब्लॉग में, घोरौंडा के बस स्टैंड तक मुझे छोड़ने जा रही है दीदी। और मैं वो बता रही थी ना आपको, वो फटके पुल पीर, तो वो मैं दिखाती हूँ रास्ता। ये है वो पीर, पक्का पुल, प्राचीन है जो को इस पे लिखा होगा, ये प्राचीन एवं ऐतिहासिक पक्का पुल, ऊंचा धाम यहाँ पे पहुंच गए हैं घोरौंडा के बस स्टैंड पे। बसेस से भरा पड़ा है ये पानीपत की बस गई है, तो देखते हैं कौन सी सोनीपत की बस मिल जाती है तो ठीक है, वरना दिल्ली वाली में बस बैठूंगी और मूर्थल उतरूंगी। मुझे जाते ही बस मिल गई थी और मैं बस में बैठ गई थी, ये दिल्ली की बस है और ये मुझे मूर्थल उतारेगी, और मैं यहाँ मूर्थल पहुँच चुकी हूँ। और उतरते ही मैंने ऑटो ले लिया है और मैं ऑटो में बैठ गई हूँ, ये मुझे सोनीपत लेके जाएगा।
मैं सोनीपत भी पहुंच चुकी हूँ और सोनीपत पहुंच के मैंने ई रिक्शा ले लिया और ये ई रिक्शा मुझे कॉलेज तक पहुंचाएगा। गाइस मैं अपना स्कार्फ ले आना भूल गई और मेरे फेस पे धूल जम गई और मैं अपनी वॉच भी ले जाना भूल गई। यार शिट मैन, मैं भुलक्कड़ हो चुकी हूँ। मैनी मिनट्स लेटर सफलतापूर्वक मेरे सारे एग्जाम हो चुके थे। आज मेरा लास्ट एग्जाम था जो मैं दे के आ चुकी हूँ और टाइम 4:30 हो रहा है, तो मैं अभी आराम से बैठ के यहाँ खाना खाऊंगी फिर ही जाऊंगी बस स्टैंड। जल्दी भागने का कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर भी मुझे वो बस भरी हुई मिलती है, फिर दूसरी बस का वेट करना होता है। तो इतने मैं यहाँ फटाफट लंच कर लेती हूँ और आज मैं बिल्कुल एट अ टाइम, मतलब ये लगा लो 10 मिनट पहले ही पहुँची हूँ, वरना लेट हो जाती आज। 20-25 मिनट पानीपत रुक गई थी बस, फिर उसके बाद ऑटो ने लेट कर दिया। पूछो मत, आज का दिन बहुत बेकार था मेरा, मेरा मूड ख़राब है। खाने में दिया है दीदी ने बैंगन की सब्ज़ी, पराठे और ये 2 संतरे, तो मैं इन्हें आराम से यहाँ खाती हूँ फिर निकलती हूँ बस स्टैंड के लिए। तो गाइज़ मैंने ऑटो ले लिया है बस स्टैंड के लिए और ये संतरे खाते हुए मैं बस स्टैंड जा रही हूँ और मेरे फेस की ना बैंड बजी हुई है, मेरी फेस वैसे ही बहुत ऑयली है, चिप चिप हो गया मेरा पूरा फेस खराब। तो गाइज़ बस स्टैंड जाते ही मुझे सीट भी मिल गई थी और बस भी, मेरी सीट ये है सीट नंबर 13, ये मैंने ओल्ड आंटी को अपनी सीट पर बिठा दिया। तो गाइज़ मैं उतर चुकी हूँ, पक्के पुल पर उतरती हूँ, वहीं थोड़ी सी दूर आगे चल के मतलब मधुबन गेट आ जाएगा। दीदी इसीलिए नहीं आई क्योंकि दीदी की 7 बजे की गिनती है, तो वो गिनती में गई हुई है, वो नहीं आ पाएंगी। कोई बात नहीं, हम पैदल ही चलेंगे, मैं दिखाई नहीं दे रही क्योंकि पीछे से लाइट आ रही है इस वजह से। लेट्स गो पैदल पैदल 11 नंबर की बस से। मैं रूम पे पहुंच चुकी हूँ और मैंने चेंज भी कर लिया और फेस भी धोया, फेस के तो आज बैंड बज गए थे क्योंकि मैं स्कार्फ ले जाना भूल गई थी और बस में और ऑटो में बहुत धूल मिट्टी उड़ती है। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। फिर अब मैं रूम पे आ गई हूँ और दीदी वहाँ गई हुई है, अपनी काउंटिंग में गई हुई है। मैं पैदल आई थी, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। फिर मेरे सर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब मैं बस सोऊंगी। और मेरे को एक और चीज़ कहनी है कि मैं 3-4 दिन से जैसे व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो मेरे पहले सब्सक्राइबर थे 265 और अब 300 हो चुके हैं, तो जिन जिन ने मुझे सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच। अगर ऐसे ही चलता रहा मतलब 30-40 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं मेरे, और मतलब 4 वीडियो डाली हैं, ये लगा लो 1 वीडियो पे 10 सब्सक्राइब। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे मेरा सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे और चैनल आगे बढ़ जाएगा, और ऐसे ही मुझे सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।